तो हम लोगों ने चर्चा की कि किस प्रकार जो प्रकाश का वेग है निर्वात में वो सभी फ्रेम में एक जैसा रहता है, ये प्रयोगों से भी निकला और जो मैक्सवेल के इक्वेशन से उनसे भी निकला। और इस तथ्य को लेते हुए आइंस्टीन ने ये दो पोस्टुलेट्स बनाए जिनकी हमने पिछली बार चर्चा की। एक तो कि जो प्रकृति के नियम हैं वो सभी इनर्शियल फ्रेम्स में, सभी जड़त्वीय फ्रेम में एक जैसे ही रहेंगे, एक ही उनका इक्वेशन होगा, एक ही समीकरण होगा, एक समान होंगे। और जो प्रकाश का वेग है निर्वात में वो सभी जड़त्वीय फ्रेमों में बराबर होता है, इसको मान करके ही आगे की थियोरी डेवलप करनी है। तो वैसी हालत में हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो उसकी जगह क्या, तो जो नया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का सेट बनता है जिसमें ये चीज़ होती है और ये चीज़ होती है, उसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जगह लेने वाले हैं। तो हम फिर वही एस और एस प्राइम की बात करेंगे। एस प्राइम एस की अपेक्षा एक्स दिशा में वी वेलोसिटी से चलेगा और एक्स प्राइम एक्सिस बराबर एक ही लाइन पर होंगे और वो स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। वाई वाई एक्सिस जो हैं वो समानांतर होंगे, जेड एक्सिस दोनों के समानांतर होंगे, जैसा हम हमेशा लेते आए हैं वैसा ही होगा। तो सारा मोशन एक्स डायरेक्शन में है, वाई और जेड डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई दोनों फ्रेम्स के बीच में मोशन नहीं है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि वाई में और जेड में उसमें कोई इक्वेशंस में परिवर्तन नहीं होगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के समय था वाई प्राइम बराबर वाई, जेड प्राइम बराबर जेड, वैसा ही यहाँ भी होगा। इसको हम और पीछे से भी साबित कर सकते हैं, ये प्रकृति के नियमों का स्वरूप सभी जड़त्वीय फ्रेमों में एक समान होता है, इसका उपयोग करके हम उसको साबित भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको लेकर चलते हैं। और एक्स जैसे एक्स प्राइम था एक्स माइनस वी टी, तो x प्राइम में x भी है और t भी है, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में था x प्राइम बराबर x माइनस वी टी। तो x प्राइम के एक्सप्रेशन में x भी आता है और t भी आता है। तो इसी प्रकार हम ये भी सोच कर चलेंगे कि जो t प्राइम का एक्सप्रेशन होगा उसमें भी x भी आएगा और t भी आएगा। तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, हम मानकर चलेंगे कि जो x प्राइम है, जो पहले x माइनस वी टी होता था, उसमें x रहेगा t रहेगा, तो उसको हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी टी। अभी हम देखेंगे कि a का क्या मान होना चाहिए, b का क्या मान होना चाहिए। अगर ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता तो a का मान 1 होता, b का मान माइनस वी होता। अभी हम देखेंगे कि इसका क्या आने वाला है। y प्राइम और z प्राइम हम मान करके चलेंगे कि y प्राइम बराबर y है, z प्राइम बराबर z है। और t प्राइम के लिए हम मानेंगे, t प्राइम के लिए ये बराबर है कुछ लेट्स से d x प्लस कुछ f t, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, a b d f, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। ये कॉन्स्टेंट्स किस पर डिपेंड करेंगे, जो फ्रेम की वेलोसिटी है, एस प्राइम फ्रेम की जो वेलोसिटी है एस के प्रति, उस पर ये डिपेंड करेंगे। जैसे बी अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता तो ये माइनस वी होता, इसी प्रकार से ये ए बी डी एफ जो कॉन्स्टेंट्स हमने लिए हैं ये वेलोसिटी जो फ्रेम की है उस पर निर्भर कर सकते हैं। अब इनके मान हम कैसे निकालें, ए बी डी और एफ के मान हम कैसे निकालें। तो हम एक
इवेंट लेते हैं। आपको याद होगा हमने इवेंट की चर्चा की थी, जब हम एक्स वाई जेड लोकेशन बताएंगे कहाँ और टाइम बताएंगे कहाँ, इस टाइम पर यहाँ, इसको हम इवेंट कहते हैं। तो हम एक इवेंट लेने वाले हैं, हमारा जो फ्रेम है एस फ्रेम ये है और एस प्राइम फ्रेम जो है वो ये है, ये इधर वी वेलोसिटी से चल रहा है और टी बराबर जीरो पे और टी प्राइम बराबर जीरो पे ये ओरिजिन्स एक दूसरे के ऊपर हैं। हमने हमेशा अपने इक्वेशंस में ये लिया है कि जो ये एस प्राइम है ये जिसमें क्रॉस कर रहा है, ये एक्सिस जिस समय इस एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ये ओरिजिन जिस समय इस ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, तो वो हमारा टी बराबर जीरो है, वो हमारा टी प्राइम बराबर जीरो है। तो हम एक इवेंट ले रहे हैं जिसमें एक्स बराबर वी टी है, वाई बराबर जीरो है, जेड बराबर जीरो है और टाइम टी है और ये एस फ्रेम से डिस्क्रिप्शन है, एक्स वाई जेड टी हमने सब बता दिया। क्या है ये, ये क्या है, ये इस ओरिजिन का, इस एस प्राइम के ओरिजिन का एस की अपेक्षा कोऑर्डिनेट है टी टाइम पे। तो टी टाइम पे ये ओरिजिन ओ प्राइम कहाँ पहुंच गया, वो इवेंट है ये एक्स बराबर वी टी पर पहुंच गया, क्योंकि वी वेलोसिटी से आगे चल रहा था ये और टी बराबर जीरो पे ये ओरिजिन यहाँ था, तो वी टी डिस्टेंस ये आगे बढ़ा है वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में जीरो है। अब इसी इवेंट को अगर एस प्राइम फ्रेम से देखते तो कहां होता ये इवेंट, कहां पर हुआ ये इवेंट, ये इसी ओरिजिन पर हुआ, क्योंकि ये ओरिजिन यहां पहुंचा ओ प्राइम, ये ओ प्राइम ओरिजिन यहां पहुंचा, ये है इवेंट। तो अगर एस प्राइम में पूछेंगे कि भाई ये कहां हुआ ये इवेंट, तो ओरिजिन पर हुआ तो इसका एक्स प्राइम बराबर जीरो होना चाहिए और टी कुछ टाइम होगा उस फ्रेम में। तो ये है एस फ्रेम का डिस्क्रिप्शन और एस प्राइम फ्रेम का अगर डिस्क्रिप्शन देखें तो एक्स प्राइम शुड बी जीरो, वाई शुड बी जीरो, जेड शुड बी जीरो और टी का कुछ वैल्यू टी प्राइम होगा। अब इस सूचना को आप यहां रख दीजिए, एक्स प्राइम बराबर जीरो है और कुछ टी प्राइम है, इस सूचना को आप यहां रख दीजिए। तो अगर हम x प्राइम बराबर जीरो है यहां रख दें तो x प्राइम बराबर जीरो, आप इसको कुछ इक्वेशन का नंबर दे सकते हैं, हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं, इस इक्वेशन में रख रहे हैं, तो क्या मिला x प्राइम बराबर जीरो। इधर क्या है a, x बराबर क्या है, x बराबर है vt, तो ये हो गया vt प्लस b इंटू टी, तो क्या मिला, यहां से आप t को कॉमन ले लीजिए तो ए वी प्लस बी इंटू टी बराबर जीरो। और यह बात हर t के लिए लागू है, कोई भी t का वैल्यू लीजिए, करस्पॉन्डिंग यहां vt ले लीजिए, वो ओरिजिन का पोजीशन बताएगा और यह बात हर एक t के लिए लागू होगी। अर्थात क्या होना चाहिए, इसे क्या पता चला, ए वी प्लस बी शुड बी जीरो और इसलिए जो b है उस b का माइनस ए वी इसके बराबर इसको होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ अगर इस बात को हम रख दें b की जगह माइनस ए वी रख दें तो देखिए ये इक्वेशन क्या बनता है, ये इक्वेशन बनता है x प्राइम बराबर a x और b की जगह हम रखेंगे माइनस ए वी, तो माइनस ए वी इंटू टी और a को अगर आप कॉमन ले लें ये होगा a x माइनस वी टी। तो हमें एक कांस्टेंट से तो मुक्ति मिली, हमारा x प्राइम हमेशा इस तरह का होना चाहिए a इंटू एक्स माइनस वी टी, इस प्रकार का ये होना चाहिए। तो इसको हम दोबारा यहां लिख लेते हैं, x प्राइम बराबर a x माइनस वी टी, x प्राइम बराबर a x माइनस वी टी और y प्राइम और z प्राइम में परिवर्तन नहीं है, y प्राइम बराबर y, z प्राइम
बराबर जेड और टी प्राइम यानी टी प्राइम डी एक्स प्लस एफ टी, डी एक्स प्लस एफ टी। ए डी और एफ इनके मान हमें प्राप्त करने हैं और इसके लिए हम एक इवेंट्स लेंगे। मान लें जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस समय एस फ्रेम के और एस प्राइम फ्रेम के कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी जिस समय में ठीक यहाँ क्रॉस कर रहा है, ये एस प्राइम फ्रेम जिसमें ठीक क्रॉस कर रहा है ओरिजिन पे, ओ प्राइम ओ के ऊपर ही है, उस समय सोचिए कि यहाँ से एक प्रकाश की तरंग फैलती है सभी तरफ। तो आप मान लें ओ प्राइम ओ क्रॉसिंग के समय, क्रॉसिंग के साथ प्रकाश की एक तरंग इस ओरिजिन से ओ या ओ प्राइम से सभी ओर फैलती है। सभी ओर फैलती है, समय बीतता है, तरंग दूर दूर तक पहुंचती है। तो अब देखिए हम तीन इवेंट्स यहां लेने वाले हैं और तीन इवेंट्स में से हमारा पहला इवेंट है जिसमें ये जो एस फ्रेम से हम अगर देखें तो हमारी तरंग यहां पहुंच गई है, यहां पहुंच गई है। कब पहुंचेगी? यहां टी समय में पहुंचेगी। और टी समय में प्रकाश की तरंग कितनी दूर चलेगी? सी टी दूर चलेगी। इसलिए ये जो डिस्टेंस होगा ये सी टी डिस्टेंस होगा। ये हमारा इवेंट है, प्रकाश की तरंग टी समय पर यहां पहुंच गई। तो अगर हम इसको लिखें इवेंट वन, तो इस इवेंट का एक्स कोऑर्डिनेट कहां पर ये इवेंट हुआ? सीटी पे। वाई जीरो, जेड जीरो। कब? टी समय पे। अब इसी को आप, इसी इवेंट को एस प्राइम से देखें। एस प्राइम में क्या हो रहा है? ये तरंग यहां पहुंची है, इसको एस प्राइम से भी देखा जा रहा है। तो एस प्राइम से अगर देखा जा रहा है तो कुछ टाइम उसका और होगा टी प्राइम, और उतनी दूर के, उतनी देर के अंदर में वो c इंटू टी प्राइम इतना दूरी चलेगी। तो पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से लिखें उसको। x प्राइम, x प्राइम क्या होगा? x प्राइम होगा a इंटू x, x का मतलब ct और माइनस vt, ये इतना a t c माइनस v। और t प्राइम को अगर हम यहां से लिखें t प्राइम, तो t प्राइम बराबर है d इंटू एक्स यानी d इंटू सी इंटू टी और प्लस एफ टी। यहां से भी आप t कॉमन ले लें तो डी सी और प्लस f इतना इंटू टी ऐसा। लेकिन x प्राइम को c इंटू टी प्राइम के बराबर होना है, x प्राइम बराबर होना है C इंटू टी प्राइम। यहां पे हम दूसरे पॉस्टुलेट का उपयोग कर रहे हैं, आइंस्टाइन का दूसरा पॉस्टुलेट है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का। सभी फ्रेमों में, सभी जड़त्वीय फ्रेमों में प्रकाश का वेग समान होता है निर्वात में, उसका उपयोग कर रहे हैं। S प्राइम में भी ये वेग C है, इसलिए X प्राइम बराबर सी टी प्राइम है। अब आप यहां भाग लगा लीजिए तो क्या मिला? C बराबर, यहां भाग लगाया हमने, यहां भी भाग लगा लीजिए तो ये टी कट गया, तो क्या मिला? ए सी माइनस वी ऊपर, ए सी माइनस वी ऊपर और नीचे डी सी प्लस एफ। और इसको आप थोड़ा खोल लीजिए तो क्या बना? डी इंटू सी स्क्वायर प्लस सी एफ, एफ इंटू सी बराबर ए इंटू सी और माइनस वी।
ऐसा, ये ए में, एफ में और डी में हमारा, हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को हम रख लेते हैं कहीं, डी इंटू सी स्क्वायर और प्लस एफ इंटू सी बराबर ए सी और माइनस बी। ये हमारा पहला इक्वेशन हमें मिल गया। और अब हम दूसरा इवेंट एक लेते हैं, वही तरंग जो फैल रही है वो इस एक्स एक्सिस पर यहां पहुंच गई, सीटी डिस्टेंस पीछे, सभी तरफ फैल रही है वो, ऐसा फैल रही है। तो एक इवेंट हमने लिया था कि ये तरंग यहां पहुंची, दूसरा इवेंट हमने लिया कि टी समय पे तरंग यहां पहुंची। तो इस इवेंट के लिए हम लिखेंगे, तो ये हमारा सेकंड इवेंट है और इसके लिए अगर आप देखें एक्स बराबर माइनस सी टी, वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो और समय टी। और इसको अगर हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करें, यही इवेंट एस प्राइम से कहां दिखाई देगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे एक्स प्राइम बराबर ए इंटू एक्स, एक्स यानी माइनस सी टी, तो माइनस सी टी और फिर माइनस वी टी, ऐसा ये होगा एक्स प्राइम, अर्थात माइनस ए टी सी प्लस वी। और टी प्राइम लिखिए, टी प्राइम बराबर डी इंटू एक्स, एक्स है माइनस सी टी, तो माइनस डी इंटू सी इंटू टी और प्लस एफ इंटू टी, कॉमन ले लें तो ये माइनस डी सी प्लस एफ और बाहर टी। लेकिन एस प्राइम में प्रकाश सी वेग से सब तरफ चलता है और इसलिए अगर इस इवेंट को देखना है जो एक्स प्राइम एक्सिस पर है, तो टी प्राइम टाइम में उसको सी टी प्राइम डिस्टेंस चलना पड़ेगा, अर्थात ये जो एक्स प्राइम है इसको होना चाहिए माइनस सी टी प्राइम, इतने डिस्टेंस चलना है, सी टी प्राइम डिस्टेंस चलना है और बाईं तरफ है इसलिए एक्स प्राइम बराबर माइनस इतना। अब भाग लगा दें, यहां भाग लगा दें और यहां भाग लगा दें, यहां का माइनस और यहां का माइनस आप काट लें, तो भाग लग के हुआ ये c बराबर इतना बटा इतना, c बराबर यहां देखें इसको, इससे भाग लगाएं, t को काट डालें और माइनस हट चुका है, a c प्लस वी, a c प्लस वी और ये t हट करके माइनस डी सी और प्लस f। और इसको भी खोलिए, माइनस डी सी स्क्वायर, माइनस डी सी स्क्वायर और प्लस एफ सी, ये बराबर ए सी प्लस वी। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, इसको भी हम वहां लिख लेते हैं पुराने वाले के पास में, माइनस डी सी स्क्वायर, तो माइनस डी सी स्क्वायर और प्लस एफ सी, प्लस एफ सी बराबर ए सी प्लस वी। ये दूसरा इक्वेशन। और एक इक्वेशन हमें और चाहिए क्योंकि तीन अननोन क्वांटिटीज हैं, हमें ए का भी मान निकालना है, डी का भी मान निकालना है, एफ का भी मान निकालना है, तो एक और इक्वेशन चाहिए, इसलिए हम एक और इवेंट लेंगे। और इस बार का हमारा इवेंट है कि टी समय पे जो तरंग फैलती है तो यहां कहीं पहुंच रही है, टी समय पर यहां पहुंच रही है, सी टी डिस्टेंस ऊपर पहुंच रही है, सब तरफ फैलना है इसको, टी समय पर यहां भी पहुंचना है, टी समय पर यहां भी पहुंचना है, टी समय पर यहां भी पहुंचना है, सब तरफ फैलना है। इस इवेंट को देखें, इस इवेंट को देखें कि टी समय पर ये यहां पहुंच गई है, तो ये इवेंट थ्री है। क्या है इस बार, एक्स प्राइम बराबर जीरो इस जगह के लिए, एक्स एक्स बराबर जीरो, यहां पर x बराबर जीरो है और y बराबर ct है
और z बराबर 0 है और समय t है और ये इवेंट s प्राइम फ्रेम से अब कहां दिखेगा और कब दिखेगा, तो t प्राइम समय पे दिखेगा और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो फिर से हम वही काम करेंगे, अपने इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, x प्राइम बराबर a, इस बार x की जगह हमें ये 0 रखना है तो ये 0 हो गया और माइनस वी टी ऐसा, ये x प्राइम है और y प्राइम बराबर y है, y प्राइम बराबर y और y का मतलब है सी टी, ये इतना, z बराबर 0 और समय किस टी प्राइम, टी प्राइम को देखें, टी प्राइम बराबर डी इंटू एक्स, एक्स की जगह 0 है और एफ इंटू टी, तो एफ इंटू टी ये बना। अब ये जो इवेंट है एस प्राइम के ओरिजिन से कितनी दूर है, तो एस प्राइम के ओरिजिन से अगर हमें डिस्टेंस चाहिए और मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है, एक्स प्राइम पता है, एक वाई प्राइम पता है और जेड प्राइम पता है, तो हम कैसे लिखेंगे, जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओ प्राइम इन एस प्राइम, एस प्राइम में देख रहे हैं हम, अब ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर डी है तो डी का जो स्क्वायर होगा वो होगा एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड प्राइम का स्क्वायर, और वो कितना बनेगा, एक्स प्राइम का स्क्वायर कीजिए ए स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर कीजिए सी स्क्वायर टी स्क्वायर, जेड प्राइम बराबर 0 है तो ये इतना डिस्टेंस का स्क्वायर बना। और टी प्राइम समय पे तरंग यहां है तो जो ओरिजिन से दूरी है वो सी इंटू टी प्राइम होनी चाहिए क्योंकि सी वेलोसिटी से तरंग चल रही है, तो टी प्राइम समय में उसको सी इंटू टी प्राइम डिस्टेंस चलना है और ओरिजिन से शुरू हुई थी, टी प्राइम बराबर 0 पे शुरू हुई थी, इसलिए दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर, ये इसको इतने के भी बराबर होना पड़ेगा सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर, और टी प्राइम हमारा है एफ इंटू टी, तो इसलिए ये बराबर हो गया एफ स्क्वायर सी स्क्वायर और एफ स्क्वायर और टी स्क्वायर, ये सब एक दूसरे के बराबर है, डी स्क्वायर बराबर इतना है, डी स्क्वायर बराबर इतना है, ये बराबर इतना है, ये सब एक दूसरे के बराबर है, तो आप देखिए ये और ये बराबर है, यहां से हम इक्वेशन लिखेंगे अपना, टी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये अपना तीसरा इक्वेशन बन गया। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं और तीन अननोन क्वांटिटीज भी हैं, तो अब देखिए हम यहां से क्या कर सकते हैं, तो पहले दोनों इक्वेशन से हम d को हटाने की कोशिश करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आप जोड़ दीजिए, वन और टू को आप जोड़ दीजिए तो d खत्म हो जाएगा, a और f में रिश्ता मिलेगा हमें, यहां भी a और f में रिश्ता है, वहां से हम a का और f का मान निकालेंगे, तो इन दोनों को आप जोड़िए, वन प्लस टू ऐसा करिए, क्या हुआ ये कट गया, ये हो गया टू इंटू एफ सी बराबर, जोड़िए ए सी प्लस ए सी टू ए सी और यहां माइनस ए वी और प्लस ए वी खत्म, तो ये बना, और इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि एफ बराबर ए है, ए और एफ दोनों बराबर हैं, और इस सूचना को आप थ्री में रख दीजिए, इसको आप थ्री में रखें, इस सूचना का इस्तेमाल आप करें तीन में, इक्वेशन नंबर तीन में, क्या मिला क्या मिला, ए और एफ को रख दीजिए, इस एफ की जगह ए रख दीजिए, तो आपको मिला ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस
प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, एफ की जगह हम ए रख रहे हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अर्थात सी स्क्वायर बराबर, इसको उधर ले चलें, ए स्क्वायर कॉमन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ऊपर नीचे सी स्क्वायर से भाग लगा दें, वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, अर्थात ए बराबर वन बाई स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और एफ भी इतना ही है। ये दो चीजें अपने को पता चल गई, ए पता चल गया और एफ पता चल गया, आप केवल डी निकालना है, और इस डी को निकालने के लिए अब हमें ए का वैल्यू पता है, एफ का वैल्यू पता है, तो डी निकालने के लिए आप किसी एक का इस्तेमाल कर लीजिए, एक वन का या टू का, किसी एक का इस्तेमाल कर लीजिए। तो वन का इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें ए का और एफ का वैल्यू पता है, डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर बराबर या प्लस एफ इंटू सी यानी ए इंटू सी बराबर, इसको खोल लीजिए, ए इंटू सी और माइनस ए इंटू वी, और ये ए इस ए सी से इस ए सी का काम तमाम, तो और सी स्क्वायर से वहां भाग लगा दीजिए, तो डी बराबर बना, ये कट गया, माइनस ए वी बाई सी स्क्वायर, और ए का पता है अपने को, ए जो है वो है माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं, और बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये देखिए ए का मान हमें पता है, ये ए का मान हमें पता है, तो हमने ए की जगह पर वन बाई और ये लिख दिया, यहाँ स्क्वायर नहीं है, सो वी यहाँ है, सी स्क्वायर यहाँ है, और ए के स्थान पर ये पूरा है, ये माइनस है, तो अब तीनों के पता चल गए अपने को। अब हम अपने इक्वेशंस पूरे पूरे लिख सकते हैं, इसको लिखिए एक्स प्राइम के इक्वेशन को, एक्स प्राइम बराबर क्या, एक्स प्राइम बराबर ए इंटू एक्स माइनस वी टी, और ए क्या है, ए ये है, तो इसलिए ये बना एक्स माइनस वी टी बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये एक्स प्राइम बना, इसके बाद आए वाई प्राइम, वो तो ठीक है, वाई प्राइम बराबर वाई है, जेड प्राइम बराबर जेड है, टी प्राइम, टी प्राइम बराबर डी इंटू एक्स, डी यहां है, देखिए डी इंटू एक्स करेंगे तो एक्स वी बाई सी स्क्वायर, और नीचे ये डी इंटू एक्स आने वाला है, और एफ इंटू टी, एफ ये है, तो इसको अगर आप लिखें डी एक्स माइनस एफ टी, ये डी एक्स प्लस एफ टी, डी एक्स प्लस एफ टी लिखें, तो डी के स्थान पर है माइनस वी बाई सी स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स, और प्लस एफ इंटू टी, और एफ देखिए एफ यहां पर है, तो ये है प्लस टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इसको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और टी प्राइम का पूरा एक्सप्रेशन लिखिए, तो ये है टी माइनस इतना, टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, और पूरे का बटा वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब हमारा पूरा काम खत्म हो गया, ये जो है यही है, यही है लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को कहते हैं हम लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। इक्वेशन ये लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है,
जिन्होंने कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान लिया है। अगर प्रकाश का वेग सभी फ्रेम्स में, सभी जड़त्व फ्रेम्स में एक ही होना है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जगह हमें ये समीकरण इस्तेमाल करने होंगे।